हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव क्लासेस तैयारी शाला में। मैं अर्जुन गुरु, आज हमारा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि हम लोग एक सेल्युलिज्म का स्पेशल कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसका नाम रखा गया है रीजनिंग स्पेशल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, आप लोग सब लोगों ने सेल्युलिज्म पढ़ रखा है लेकिन यहाँ कुछ क्या यूनिक मिलने वाला है। तो देखो, सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ हम लोग सबसे पहला यूनिक चीज है कि हम लोग हाई लेवल क्लास करेंगे। ठीक है, वो सारे पैटर्न की बात करेंगे जो जो अब तक चेंज हुआ है सेलिज्म में। दूसरी बात करेंगे हम लोग कि सर्कल से छुटकारा। अब देखो, ये नहीं कह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्कल गलत, सर्कल का जो रूल है वो गलत है, लेकिन मेरा जहां तक मैंने ऑब्जर्वेशन है किया है कि लगभग सर्कल में कुछ बच्चे क्या होते हैं, जो कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, यानी 5 में 4 या 3, ये अभी तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मेरा एक ऐसा स्पेशल कॉन्सेप्ट है, मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें आपको पढ़ाऊंगा जिसमें क्या हुआ कि सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है और उस सर्कल से बहुत ही कम टाइम में आप सेलिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, वो भी बिना पेन का। ठीक है, यानी आपको पेन पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप देखोगे और आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मैं इस कॉन्सेप्ट में जो आपको पढ़ाऊंगा वो स्टोरीज बाइज होगा, यानी दहेज प्रथा पर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सुना, सही सुना, दहेज प्रथा। ठीक है, इसमें हम लोग केवल अगुआ का डिमांड, दूल्हा का डिमांड, लड़की का डिमांड करवा करवा के हम लोग शादी करवाएंगे। तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूनिकनेस है। ठीक है, कि हमें हमें सर्कल की जरूरत नहीं है, पेन की भी जरूरत नहीं है, केवल आप स्टोरी सुनोगे आपको सेलिज्म बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इस पे नए पैटर्न की भी बात करेंगे, यानी यूनिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या कि आप अभी तक जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना हो ना जाना हो। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ हम लोग हम मैं देखो, मैं रीजनिंग में मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, आप वही प्रेफर करो जो आपको आसानी से बन गया। अब ये नहीं कि जो हमारे बाबूजी पे पढ़ते आए, दीदी पढ़ती आए, या फिर जो हमारे भैया पढ़ते आ रहे वही चीज को हम फॉलो करो। देखो, इसमें ये तो कोई प्रथा या रीति रिवाज है नहीं कि इसको फॉलो करना है। अगर आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ठीक है, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में। और एक बात बताओ दोस्तों, कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो क्या लग जाएगा कि सब वहां नए कमर्स होंगे? कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होगा और आप उनको उन्हीं के तरीका में हरा नहीं सकते हो, ये लिख लो आप मुझसे। तो आपको करना क्या है कि हमारे इस लाइव क्लास में आप आओ। इसका चार्ज कितना है? तो 51 रुपीज ओनली। ठीक है, और ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में सारा आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो एक दिन संडे को किसी दिन हम लाइव आएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा भरकस प्रयास ये रहता है कि मैं मेरे बच्चों को मैं संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड करके ही जाऊं। ठीक है, ताकि आप खुश रहोगे तभी तो मैं भी खुश रह पाऊंगा। तो हमारा जो कोर्स है ये तैयारी साला ऐप पे मिलेगा आपको, यानी आपको करना क्या है कि जो डाउनलोड कर चुके हैं हमारा गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप, तो उनको तो दिख ही रहा होगा, आप जाओगे तो वहां रीजनिंग क्या होगा स्पेशल डेवलपमेंट कोर्स आपको दिख जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज वहां जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और इस स्पेशल कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ाए जा रहे हैं, और वो भी केवल कितना, ओनली 51 रुपीज में, इसका जितना फायदा है उठा सकते हैं उठा लीजिए। ठीक है, और यकीन मानिए मेरा, इसमें आप कुछ ऐसा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसे भी सेलिज्म बनते हैं। ठीक है, ऐसे भी सेलिज्म को सॉल्व किया जा सकता है केवल शादी करवा करवा कर। ठीक है, यानी जैसे समझो कि एक शादी 20 से करवानी है तो अगुआ कौन है, यानी कॉमन टर्म ढूंढ लिए, अगुआ का डिमांड, फिर दूल्हा का डिमांड, फिर से। ठीक है, और हम लोग इस पे ओनली फ्यू रिवर्स सेलिज्म सारा करेंगे, यकीन मानो विदाउट पेन, पेन आपको नहीं पकड़वाऊंगा। ठीक है, और इन ये स्पेशल कॉन्सेप्ट का फी है केवल ओनली 51 रुपीज। ठीक है, तो बस मेरा यही मोटो था कि मैं आपको अवेयर करूं, बताऊं, और ऐसे बहुत आने वाले टाइम में और भी नए नए चैप्टर से अन्य वीडियो आता रहेगा। तो प्लीज डाउनलोड करें हमारे ऐप को, तैयारी साला ऐप को गूगल प्ले स्टोर से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।